सलमान खान एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को दीवाना किया हुआ है। सुल्तान, जिसने अपनी फिल्मों के जरिए न जाने कितने लोगों का दिल जीता। वही आज हमारे इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको बॉलीवुड के भाईजान की उन फिल्मों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि रीमेक फिल्में हैं लेकिन फिर भी आज तक लोगों के दिलों में बसी हुई है। तो चलिए देर किस बात की, दिखाते हैं आपको पूरी लिस्ट। फर्स्ट, तेरे नाम। राधे और निर्जरा की कहानी शायद ही किसी को आज तक भूली हो। तेरे नाम फिल्म ने सभी की आंखें नम कर दी थी, लेकिन ये फिल्म तमिल फिल्म सेतु का रीमेक थी जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। वांटेड, मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये सलमान खान का वो फेमस डायलॉग है जो बच्चे बच्चे की जुबान पर आ जाता है। इस फिल्म की वजह से ही सल्लू का करियर एक बार फिर संवरा था। वहीं आपको बता दें, ये फिल्म साउथ फिल्म पोकिरी का रीमेक थी जिसमें महेश बाबू नजर आए थे। रेडी। रेडी फिल्म में कॉमेडी का भरपूर तड़का लगा था। 2011 में आई इस फिल्म का जादू ऐसा चला कि हर कोई सल्लू मियां का गुणगान गाने लगा था। ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म का रीमेक जिसमें जेनेलिया डिसूजा के साथ राम पोथिनेनी नजर आए थे। बॉडीगार्ड, सलमान खान और करीना कपूर की फिल्म बॉडीगार्ड तो आपको याद ही होगा। इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब थी। वहीं आपको बता दें, फिल्म 2010 में आई मलयालम रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म का रीमेक थी जिसमें दिलीप एंड नयनतारा ने लीड रोल निभाया था। जय हो, इस फिल्म में सलमान खान ने अपने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। वहीं ये फिल्म तेलुगु फिल्म स्टैलिन की रीमेक थी। इस फिल्म में चिरंजीव और त्रिशा कृष्ण नजर आए थे। वेल, इन सभी फिल्मों के अलावा ऐसी और भी कई फिल्में हैं जिसके जरिए सलमान ने बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चलाया। तो ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करें और माय बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।